मंत्री जी ने देवेंद्र सिंह बबली को, जो एक साधारण परिवार, किसान परिवार, एक देशभक्त परिवार में पैदा हुआ और टोहाना हल्के की जनता ने एक जनसेवक को एक जनप्रतिनिधि चुनकर अपने हल्के की सेवा का मौका दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आज मुझे सौंपी है। मैं आज आपके सामने मैं मुख्यमंत्री जी का विश्वास दिला सकता हूं कि जो आज गठबंधन सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ काम करना चाहती है और काम कर रही है, मैं अपने विभाग में जीरो टॉलरेंस के साथ जो गांव देहात में 70% आबादी बसती है उसकी डेवलपमेंट करने का काम करेंगे आपके मार्गदर्शन में। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सी योजनाएं जो ग्रामीण अंचल में आखिरी छोर पे बैठा हुआ परिवार है उसके लिए हमारी गठबंधन की सरकार लेकर आई, और जो पिछले दिनों बजट सेशन था उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा को लेकर हमारे गांव देहात में स्कूलिंग के बाद बच्चों को ई लाइब्रेरी देने का फैसला लिया। इसी प्रकार कई दशकों से जो ग्रे वाटर की, जो हमारे जोड़ों के गंदे पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले की थी, लेकिन अब ये फैसला लिया कि आने वाले समय में हमारे जो गांव की जोड़ों की वजह से दुर्दशा है उसको सुधारने का हमारी गठबंधन की सरकार ने फैसला लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया। और भी जो जरूरत की चीजें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे गली नाली की बात हो, शुद्ध पानी देने की बात हो, गांव में 24 घंटे बिजली देने की बात हो, जो सारी सुविधाएं हैं गांव तक ले जाने की बात हो, वह एक सपना हमारे मुख्यमंत्री जी का है, हमारी सरकार का है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और मैं तो इतना ही चाहूंगा जी, जो शहरीकरण की हम बात करते हैं और जो शहरों में सुविधा है, यह मेरा सोचना है और आपका भी सोचना, हमारी सरकार का सोचना है कि वो गांव तक पहुंचे, मेरा हर ग्रामवासी जो मूल भी सुविधाएं हैं वो उसको हासिल हो, यह हमारी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पंचायत के चुनाव भी जल्दी कराए जाए, ताकि पंचायत अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक छोटी सरकार है, हमारे सरपंच मेंबर बनकर आएंगे तो जो गांव का विकास है उसमें और तरक्की आएगी। और भाई, जो जीरो टॉलरेंस की बात है, मुख्यमंत्री जी पूरे सख्त हैं और इनके निर्देश हैं कि आपको गांव का विकास करवाना है और ईमानदारी से जो पैसा सरकार ऊपर से भेजती है वो एक एक रुपया गांव की डेवलपमेंट के लिए लगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूं कि जो पैसा आप डेवलपमेंट के लिए गांव में देंगे, आपने बजट सेशन में 7000 करोड़ रुपया मंजूर किया है गांव के लिए, वो सारे का सारा पैसा डेवलपमेंट में गांव में लगेगा, ये मैं आज वादा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे चुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तब भी उसको हम कराएंगे, इसलिए उसकी हमको कोई ज्यादा चिंता नहीं है। अब एक बात और जो इसमें मुझे बतानी है, आपको कहनी है, हमारे पंचायत विभाग के मंत्री देवेंद्र बबली जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपने भाषण में शायद बता भी दिया है, फिर भी अच्छा एक समाचार ये है कि हमारे जो नगर पालिकाओं के कुछ नगर पालिकाएं लगभग 54 है, नगर परिषद और नगर पालिकाएं, और ऐसे ही पंचायतों के ये चुनाव कोर्ट के द्वारा रुक गए थे। छोटी छोटी बात को लेकर अड़ंगा डाल देते हैं कई बार कोर्ट वाले, लेकिन आज 4 मई को पंचायती राज चुनाव के लिए कोर्ट ने कह दिया कि ये आप चुनाव करा लो, इसलिए वो वहां का झंझट खत्म हो गया। बहुत जल्दी अब ये पंचायतों के चुनाव करा देंगे, हो सकता है अगले हफ्ते तक नगर पालिकाएं, नगर परिषद जो चुनाव रुके हुए हैं वो भी अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा, तो वो चुनाव भी जैसे होंगे उसको भी घोषणा करेंगे। दोनों प्रकार के चुनाव थोड़ा 10-5 दिन आगे पीछे हो जाएंगे, तो इसलिए ये जो सारे रुके हुए चुनाव हैं ये भी हम जून के महीने में, जुलाई के महीने में सारे के सारे करा देंगे, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ।